स्टूडेंट्स, बट आज का हमारा टॉपिक है बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। बट हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था लंग कैंसर जो होता है वो स्मोकिंग की वजह से होता है। तो बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग में बेटा सबसे पहले यही आएगा कि वो लंग कैंसर हो जाता है। और लंग कैंसर के अलावा हमने पढ़ा था यानी कि जो दमा की बीमारी है या ब्रोंकाइट्स बन जाते हैं या नमूनिया हो जाता है, ये सारी की सारी जो डिजीज़ हैं ये स्मोकिंग इनमें बहुत ज़्यादा करदार है स्मोकिंग का। तो बेटा स्मोकिंग क्यों हमारे लिए नुकसानदेह, यहाँ पर पहली जो दो लाइन्स हैं उनमें लिखा हुआ है स्मोकिंग इज़ हार्मफुल ड्यू टू केमिकल्स इन सिगरेट एंड स्मोक। तो तंबाकू मेज कंटेन अवर 4000 डिफरेंट केमिकल्स आउट ऑफ विच एट लीस्ट 50 आर कार्सिनोजेनिक। बेटा जो सिगरेट का धुआं होता है, जो सिगरेट उसके अंदर 4000 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, और जो 4000 में से 50 ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या हैं, पॉइजनस हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। वो अगर हम थोड़ा सा भी लेंगे तो हमारी बॉडी उनको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, लंग कैंसर हो जाएगा। मैनी पीपल थिंक डैट लंग कैंसर इज़ दी ओनली स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़ एंड इट इज़ दी नंबर वन काज ऑफ डेथ अमंग स्मोकर्स, बट इट इज़ नॉट राइट। सिगरेट स्मोक अफेक्ट दी बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। स्मोकर्स हैव ए मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ए नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज। ठीक है बेटा, तो लोगों की जान भी जा कई लोगों की चली जाती है जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बेटा कह रहा है अगर कोई शख्स इसको रोक दे यानी कि अगर सिगरेट पीना छोड़ दे तो तब क्या होगा। इफ़ ए पर्सन स्टॉप स्मोकिंग द चांस टू डेवलप कैंसर डिजीज एज डैमेज टू द लंग इज रिपेयर्ड एंड कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स आर ग्रेजुअली रिमूव। बेटा वो कह रहा है फ़र्ज़ कर लें अगर किसी शख्स ने स्टार्ट की थी अभी कुछ दिन उसने सिगरेट नोशी की है, तो उसकी जो अगर वो छोड़ देगा तो वो जो उसके लंग्स को नुकसान हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, वो हीलिंग प्रोसेस से वो जो कार्सिनोजेनिक केमिकल उसकी बॉडी से निकल जाएंगे। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा पीते रहे हैं, फर्क कर कोई उनको कई कई साल हो गए हैं सिगरेट पीते हुए, तो वो लोगों का जो लंग है वो क्या हो जाते हैं, सही तरीके से काम नहीं कर पाते, तो वो परमानेंटली क्या हो जाता है, उनका लंग में कैंसर हो जाता है। तो ये बेटा कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनमें ज़्यादा समझाने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ यही लिखा हुआ है कि स्मोकिंग की वजह से कौन कौन से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये वाला भी यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, ये नॉर्मल शख्स का जो आपको नज़र आ रहा है ये लंग है, और ये स्मोकर का है, तो स्मोकर का ब्लैक हो चुका है यानी कि इसका मतलब इसके सारे के सारे सेल्स वो क्या हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर, ऑलमोस्ट ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो होपफुली आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक पर इशू है तो वो टॉपिक मैं दोबारा समझा दूंगा, तो काइंडली अच्छे तरीके से इस टॉपिक को आप कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।